की वीडियो है 5 सेकंड ऑफ ऑपरेशन सर्च। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सर्च के इम्पॉर्टेंस। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन सर्च का मीनिंग, हिस्ट्री प्लस फीचर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा देन प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। प्लस आप वो वाली वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कि जो ओवर होता है कहते हैं वो आपको हेल्प करता है इन फाइंडिंग दी सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कहते हैं कि जो ओवर की जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उससे जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं ऑपरेशन रिसर्च के, वहाँ से जो भी सोल्यूशन होते हैं वो काफ़ी ईजी, क्विक एंड यूजफुल होते हैं आपके लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेटर कंट्रोल। ओवर टेक्निक हेल्प करती है मैनेजर को टू ब्रिंग रिलीफ इन अ रूटीन मैटर एंड प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम टू कंसंट्रेट ऑन अदर स्ट्रेटेजिक मैटर विच रिजल्ट इन अ बेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। कहते हैं कि जो ओवर की टेक्निक होती है वो मैनेजर को हेल्प करती हैं सो दैट कि उसे रिलीफ मिल सके रूटीन मैटर से, एक्स्ट्रा टाइम दे सके अपनी बाकी अदर स्ट्रेटेजिक मैटर्स को। एंड इससे क्या होगा कि आपके जो ओवरऑल जो आपकी कंट्रोल होता है बिजनेस का वो काफ़ी अच्छा होगा, प्लस आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट ऑप्टिमम रिजल्ट। कहते हैं कि जो डिसीजन मेकर होता है उसके पास मेन डिफिकल्टी क्या होती है कि जब भी उसने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है देन उसके पास एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होते हैं, देन उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से उसको देखना होता है कि कौन सा बेस्ट वाला सॉल्यूशन है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो इसमें सिंपल ओआर क्या हेल्प करता है आपको, वो आपको एक कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताता है किसी भी प्रॉब्लम का, जिससे कि आप वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है असाइनमेंट प्रोग्राम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम डिसीजन रिगार्डिंग द असाइनिंग द राइट जॉब्स और द राइट फैसिलिटीज़। कहते हैं कि जो आपके असाइनमेंट्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आपके, वो हेल्प करते हैं आपको, किस में हेल्प करते हैं कि आप अच्छे से राइट जॉब को असाइन कर सकें, प्लस आप जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है उनको भी अच्छे से असाइन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एबिलिटी। ओवर की हेल्प से जो मैनेजर है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, जैसे कि एक मैनेजर में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी एफिशिएंसी एंड एबिलिटी, ये सभी चीज़ें उसको मिलती हैं। एंड इन सभी चीज़ों की वजह से जो मैनेजर है वो काफ़ी उस जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो सभी इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कहते हैं कि जो आपके म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको ओवर हेल्प करता है सॉल्व करने में। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट बेटर सिस्टम। कहते हैं कि जो ओवर होता है ये एनालाइज करता है एवरी प्रॉब्लम थॉरली वाइल अराइविंग एट अ ऑप्टिमम डिसीजन। कहते हैं किसी भी ऑप्टिमम डिसीजन से आने से पहले ये कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से कंप्लीट उसको ये स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है, प्लस आपका जो प्रॉफिट होता है कंपनी का या किसी भी बिजनेस का वो इंक्रीज होता है। सेवन्थ ओवर इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग बैड आंसर वेयर वर्स्ट इज एग्जिस्ट। ओवर इज अ रिफाइंड अप्रोच इन अ प्रेजेंट मैथमेटिक टेक्निक। इट इज बींग एन अप्रूव्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल मॉडल विच ऑफर्स क्विक एंड बेटर सोल्यूशन। कहते हैं कि आज के टाइम पे देखें तो ओ आर के जो है टेक्निक्स उसमें मैथ काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका है। एंड ओ आर जब आप अप्लाई करते हो देन आपको पता लगेगा कि ओ आर में मोस्टली ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो मैथमेटिकल आपके टेक्निक से या फार्मूला से कहते हैं सॉल्व होती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लस इससे आपके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं वो भी हाईलाइट किए जाते हैं। सो ओआर की हेल्प से आप डिफरेंट मेथड लगा के अपने मैथमेटिक के अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपके जो डिसीजन है वो भी अच्छे होते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ये एक आर्ट है जिसमें आप बैड आंसर देख सकते हैं वेयर वर्स्ट इज एग्जिस्ट। एट पॉइंट वाइडली यूज इन अ मैनेजमेंट डिसीजन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ओ आर सब्जेक्ट है ये अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है। सो कहते हैं अलग अलग फील्ड में जितने भी आपके मैनेजमेंट होते हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट हो, कहते हैं किसी भी तरह के जो आपके मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं उसमें काफ़ी ईजिली यूज़ होता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9th वाइडली यूज इन अ वेरियस सर्विस सेक्टर। ये भी मैंने पहले बताया था कि जो है आपका ओ आर सब्जेक्ट है ये अलग अलग आपके सेक्टर्स में यूज़ होता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गए। इन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी है, जैसे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई एजुकेशन सिस्टम हो गया आपका, हॉस्पिटल, तो ये इन सभी चीज़ों में कहते हैं ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेशन रिसर्च इज फॉर ऑपरेशनल इकोनॉमी। कहते हैं कि जो आपका ऑपरेशन जो रिसर्च है इट इज़ अ साइंटिफिक
अप्रोच टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे आपके साइंस के अलग अलग मेथड लगा के प्लस आपके जो मैथमेटिकल है वहाँ के मेथड लगा के आपके जो प्रॉब्लम्स है जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं उनको सॉल्व किया जाता है. तो इससे क्या होता है आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाती है प्लस आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो कहते हैं कि जो ये ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेन आपकी जो ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी है जो आपकी काम करने की क्षमता है आपके बिजनेस की उसको इंक्रीज़ करता है. नेक्स्ट पॉइंट ओवर हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू हाउ मच टू बाय. ये भी मैंने पहले बताया था कि जो ऑपरेशनल रिसर्च होता है वो आपको कंप्लीट एकदम बताता है कि आपको किस समय पे कितना आपको जो प्रोडक्ट है वो चाहिए होता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट की जो वेस्टेज होती है वो भी कम हो जाती है प्लस आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्टॉक है तो वो भी नहीं रहता. आपको पता लग जाता है कि आपको इतने समय के लिए कितना स्टॉक चाहिए. नेक्स्ट मेथड प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ये जो ओवर है ये आपको हेल्प करता है इन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि जो भी आपके अलग अलग रिसोर्सेज हैं आपने उसको कैसे यूज़ करना है सो दैट उसकी वेस्टेज ना हो जाए उसको अच्छे से आपने यूज़ करना है. उसमें ये जो ओवर सब्जेक्ट है ये आपको हेल्प करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल PERT एक ऐसा एक टेक्निक है और यू कैन से एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि कितना टाइम कहते हैं एस्टिमेट लगा है आपकी ईच एक्टिविटी को. तो ऐसे कहते हैं ओवर में अलग अलग आपके मेथड्स अलग अलग ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हो कि आपके पास जितने रिसोर्सेज थे वो कहाँ यूज़ हुए हैं कहाँ उनकी वेस्टेज हुई है हम कैसे उसको सही कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ अ फ्यूचर मैनेजर ओवर टेक्निक सब्सिट्यूट अ मीन्स फॉर इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ यंगस्टर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. कहते हैं कि अगर कोई भी यंगस्टर्स हैं जो कि मैनेजमेंट की फील्ड में हैं देन कहते उसकी जो स्किल्स है उसकी नॉलेज है उसको इम्प्रूव करती है. दिस मेथड हेल्प्स इन अर्सरटेनिंग द बेस्ट लोकेशन फॉर अ वेयर हाउस प्लान प्रोजेक्ट. कहते हैं कि ये जो मेथड्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं सो दैट कि आप अपनी जो है डिसीजन है वो काफ़ी अच्छे से ले सके चाहे वो रिगार्डिंग प्लान हो चाहे वो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हो चाहे वो रिगार्डिंग लोकेशन क्यों ना हो. उसके बाद नेक्स्ट है ओवर मॉडल इंक्रीज द क्रिएटिविटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ अ यंग मैनेजर कि आपके जो न्यूली मैनेजर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी प्लस उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उनको इंक्रीज करते हैं. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च. इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.